So you can see there is a flowchart which is given in the screen. I have shared a screen with you, and there is a flowchart. Everything in the nature is matter, and matter and energy. Two things are there in nature: matter and energy. And matter is made of substances. Substances are of two types: pure substances and mixture. Pure substances again are of two types: elements and compounds. So pure substances का और mixture का पहले सबसे पहले difference between लिखने को कहा था मैंने कि आपको pure substances और mixture का difference लिखना है, तो उसमें ये points आते हैं. यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं चार पॉइंट्स. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. एंड प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी. मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली. कंपाउंड्स आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली. तो एटम्स एक तरह के एलिमेंट के एटम के ही मिलेंगे, यानी गोल्ड एटम है, सिल्वर एटम है, तो उसमें सिर्फ सिल्वर होगा, गोल्ड होगा. बट कंपाउंड जो होगा, जैसे कि वाटर है, तो वाटर में H2O है, तो H2O में सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल होंगे H2O में, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो इस तरीके से बनता है कंपाउंड, जो कि खुद एक मिक्सचर होता है. कंपाउंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर. नाउ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या दिया हुआ है, दे इज एयर अराउंड अस कंपाउंड और मिक्सचर. एयर जो हमारे चारों तरफ है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है, ये क्वेश्चन पूछा है. बताओ, आंसर बताओ इसका. Is air around us compound or mixture? Ma'am, mixture. Okay, water is just compound. Water सिर्फ एक compound है, इसको बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों? Ma'am, because ma'am hydrogen के दो वो है उसमें और oxygen का एक मॉलिक्यूल. Yes, ma'am. Oxygen का atom है, दो hydrogen के atom है. Classify the following as element, compound or mixture. Iron, sea, water or milk. कौन सा element है, कौन सा compound है और कौन सा mixture है इसमें? Iron, sea, water और milk में से कौन सा element है, कौन सा compound है और कौन सा mixture है? Tell me. आयरन एलिमेंट है. आयरन क्या है? एलिमेंट है. मिल्क कंपाउंड में आ जाएगा. मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर ही एक है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर होता है मिल्क. तो कंपाउंड इसमें कोई भी नहीं है. इसमें फिर भी क्योंकि होमोजेनस है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है मिल्क, तो कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर को कंपाउंड कहते हैं. सब जगह जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहे, तो मिल्क सब जगह मिल्क ही होता है, वाइट वाइट सब जगह एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है मिल्क, तो मिल्क को कंपाउंड कह सकते हैं. आयरन को सिर्फ एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट है, उसमें सब जगह आयरन के ही एटम्स हैं. और सी वाटर, सी वाटर क्या है? मिक्सचर होगा. आर द नेचुरली अकरिंग मटेरियल इन द नेचर केमिकली प्योर सब्सटेंस, जो नेचर में मिलते हैं, क्या वो प्योर होते हैं? क्या वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में मिलते हैं? नो मैम. नो मैम. नो मैम. Ma'am, we cannot say that it is pure substance. Why? कुछ भी चीज yes or no बोलने के बाद आपको आंसर में रीजन बताना पड़ेगा, आप क्यों no बोल रहे हो, क्यों yes बोल रहे हो.
तभी तो आंसर पूरा होगा, सिर्फ ये बोल देने से हाँ होता है नहीं होता तो आंसर थोड़ी पूरा होता है। अगर आप बोलते हो हाँ होते हैं, नेचर में मटेरियल जो मिलते हैं वो प्योर होते हैं केमिकली, तो फिर रीजन दो, जस्टिफाई करो। अगर नहीं होते तो फिर रीजन दो। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। आर द नेचुरली फाउंड कम सब्सटेंसेस आर प्योर और नॉट। अगर बोलते हो आपके होते हैं तो क्या एग्जांपल दोगे, जैसे नेचर में? हाँ मैम, इट इज अ प्योर मिक्स्ड। क्या चीज? अगर मतलब दोनों के आंसर देने पड़ेंगे इसमें। सम सब्सटेंसेस आर प्योर इन नेचर एंड सम सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स। ओके, हाउ वी कैन से दिस? बिकॉज सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स, ऐसे बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स जैसे सब्सटेंस, जैसे आयरन है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है? प्योर है। ये क्या है? प्योर है। बट अगर एयर की बात करें, मिनरल्स आर नॉट प्योर। हाँ मैम, मिनरल्स आर नॉट प्योर। मिनरल्स आर नॉट प्योर, सो वी कैन से के दे विल कम इन द ओर फॉर्म। हम उनको बताना पड़ेगा कि हमें जब ये अर्थ से मिलते हैं तो ये ओर के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक रॉ फॉर्म है किसी मिनरल का, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट ओर। ठीक है, उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। पर कुछ चीजें जैसे कि फ्रेश वाटर होगा, रिवर से, ग्लेशियर से गंगा बनी है, गंगा का पानी होगा, तो वो तो प्योर ही होगा, इट विल बी प्योर। ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम एयर से ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन तो प्योर ही होगी। तो सम सब्सटेंसेस इन नेचर आर प्योर, लाइक विच आर एलिमेंट्स, जो एलिमेंटल चीज है देट आर प्योर, एंड द थिंग्स विच आर कंपाउंड आर मिक्सचर्स। ये बताना पड़ेगा हमें, दोनों चीज के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड मिनरल्स आर फाउंड इन ओर फॉर्म, ठीक है, विद इम्प्योरिटीज। समझ में आई आंसर? यस मैम। तो तीनों चीजों को बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्होंने कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इसका, इन्होंने किसी कुछ भी नहीं बोला, इसमें सिर्फ सिंपली पूछा है प्योर होते कि नहीं हो, तो आप अपनी मर्जी से अपनी थॉट प्रोसेस से इसका आंसर दोगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, सॉलिड लिक्विड गैस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये इसमें एग्जांपल्स दिए हैं। कैन यू सी सॉलिड लिक्विड गैस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल दिए हैं? अगर हम सॉल्ट और शुगर को देखें तो व्हाट आर दे? इफ दे, इफ वी मिक्स देम, सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके अगर हम रख दें तो दैट विल बिकम अ मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड चीज़ों का मिक्सचर हो गया। अगर सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो वो लिक्विड का मिक्सचर हो गया। अगर डस्ट एयर में धूल उड़ रही है हवा में, तो वो गैस का मिक्सचर हो गया। लिक्विड का मिक्सचर एग्जांपल दिया है मरकरी और कॉपर, मरकरी और कॉपर को मिला दोगे तो वो लिक्विड मिक्सचर हो गया। अल्कोहल और वाटर को मिला दोगे, सॉरी मरकरी और कॉपर को मिलाओगे तो सॉलिड मिक्सचर हो गया, जबकि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? मरकरी लिक्विड फॉर्म में आती है, और वो कैसे मिक्स होएगी? जब वो कॉपर भी पिघला हुआ होगा, मेल्टेड कॉपर होगा, तब मिक्स होएगी। अल्कोहल और वाटर, देन अगेन लिक्विड, इन द लिक्विड फॉर्म। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या हैं? गैसेस में मिक्सचर से बने हैं, वाटर वेपर से बने हैं गैसेस, हाइड्रोजन पैलेडियम। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मिक्सचर का बताया हुआ है, ऑक्सीजन और वाटर, एयर। ठीक है, Yeah. Okay.
इस टेबल को पढ़ने के लिए, इस टेबल को समझने के लिए क्या करना है, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम एक रो पूरी कर रहे हैं तो हम इस रो के आंसर्स भरेंगे, तो हमने सॉलिड सॉलिड यानी दोनों कंपोनेंट सॉलिड होंगे तो आंसर आ गया सॉल्ट और शुगर। अब सेकंड नंबर सॉल्ट और लिक्विड का करना है, सॉलिड और लिक्विड का करना है सॉरी, तो आंसर आ गया सॉल्ट और वॉटर। समझ रहे हो कैसे बन रहा है टेबल। अब तीसरा नंबर सॉलिड और गैस का करना है मल्टीप्लाई, एक कंपोनेंट सॉलिड रहेगा एक कंपोनेंट गैस रहेगी, तो डस्ट हो गई सॉलिड और एयर हो गई गैस, इस तरह भरना है। तो ये पहली रो भर गई, अब दूसरी रो भरनी है ये वाली, ये कैसे भरी है, पहला और पहला लिक्विड और सॉलिड, पहला वाला लिक्विड और दूसरा वाला सॉलिड, फिर लिक्विड और लिक्विड मतलब पहला भी लिक्विड और दूसरा भी लिक्विड अल्कोहल और वाटर, फिर मिक्सचर बनाना है लिक्विड गैस का एग्जांपल देना है। लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या है, पहला लिक्विड और गैस में ही होते हैं क्लाउड्स, तो लिक्विड पानी और स्टीम वाटर वेपर्स की बात हो रही है, यानी कि गैस एयर में क्या है वेपर्स है, एयर्स में वेपर्स है तो वो क्या बन जाएंगे क्लाउड्स बन जाएंगे। समझ में आ गई कैसे है ये टेबल। ऐसा एग्जांपल अगर मैंने दे दिया, मैंने एग्जांपल दे दिया गिव अ एग्जांपल ऑफ गैस एंड सॉलिड मिक्सचर, गैस और सॉलिड मिक्सचर दो तो क्या दोगे, हाइड्रोजन और पैलेडियम। मैंने एग्जांपल दिया गैस में, पूछा एग्जांपल गैस और लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल दो, गैस और लिक्विड मिक्सचर का तो ऑक्सीजन एंड वाटर। मैंने पूछा गैस और गैस का बताओ, गैस और गैस का क्या बताओगे, सारी गैस एयर, एयर इज मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। ये तो हो गया फिजिकल स्टेट्स पे, मैटर के स्टेट्स पे मिक्सचर्स का नाम, पर अगर मिक्स हो पाते हैं नहीं हो पाते कंपोनेंट्स एक दूसरे पे, यानी कि एबिलिटी टू मिक्स ईच अदर, मिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी के बेसिस पे मिक्सचर कौन से तरीके के हैं, दो हम होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इनके क्या पॉइंट्स होते हैं, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के, क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स, पढ़ के बताओ, रीड करो मैम। बच्चा मैम होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ दोनों पढ़ने हैं, एक पॉइंट होमोजेनियस का और उसका अपोजिट पॉइंट हेटेरोजेनियस का। ओके मैम, होमोजेनियस मिक्सचर it consists of single phase, heterogeneous mixture it consists of two or more phase, homogeneous mixture uniform composition, heterogeneous mixture does not have uniform composition, example of homogeneous mixture sugar dissolved in water, example of heterogeneous mixture example air sand and common salt। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स है, कोई टफ तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंगल फेज होएगी यस मैम, या ज्यादा फेज होएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होएगा, होमोजेनस का नहीं होएगा, हेटेरोजेनस का एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वन गिवन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, सॉलिड 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 हेटेरोजेनस, सॉलिड सॉलिड होमोजेनस, सॉलिड लिक्विड लिक्विड होमोजेनस। तो ये मैंने अभी टेबल ये वाला सिखाया है आपको, चाहो तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल आ सकता है सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस। समझ रहे हो, यस मैम, यस मैम। देन सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, इनका एग्जाम मुझे बताओ आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर होमोजेनस होगा कि हेटेरोजेनस होगा, ग्लूकोज और वाटर होमोजेनस होगा कि हेटेरोजेनस, फर्स्ट इज हेटेरोजेनियस, फर्स्ट इज व्हाट, हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनियस व्हाई, सोडियम क्लोराइड क्या है, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड, किसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड मैम, होमोजेनियस मिक्सचर,
मैं पूछ रही हूँ कि किसका फॉर्मूला होता है, एक आंसर नहीं है तो वो तो अच्छी बात है कि दूसरा ही आंसर होएगा, दो ही ऑप्शन है तो, पर मैं पूछ रही कुछ और नहीं हूँ, मैं पूछ रही हूँ सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है। बताए तुम्हें वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पता है तुम्हें, जो घर में खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ जनरल फॉर्मूले याद कर लेना, आज का काम यही है कि कुछ 15 ऐसी चीजें जो डेली यूज में तुम घर में यूज करते हो उसके फॉर्मूले चाहिए मुझे, ठीक है, किचन में जो यूज होती है उसके केमिकल फॉर्मूले चाहिए मुझे, चीनी का, नमक का, ठीक है, बेकिंग सोडे का, ओके मैम, और भी जो भी किचन में या घर में यूज होता है उसका मुझे फॉर्मूला चाहिए, वॉशिंग सोडे का, ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नमक का ही है फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला होता है सॉल्ट का, NaCl, और अभी NaCl को अगर मैं वाटर में मिलाऊंगी तो मुझे कैसा मिक्सचर मिलेगा, होमोजिनस के हेट्रोजिनस? NaCl एंड वाटर का विच टाइप ऑफ मिक्सचर आई विल गेट, होमोजिनस और हेट्रोजिनस? हेट्रोजिनस। क्लास बंद कर दूंगी मैं, तुम्हें पढ़ाना ही बंद कर दूंगी, क्या सुन रहे हो तुम? नमक को मैं पानी में घोलूंगी मुझे हेट्रोजिनस मिक्सचर मिलेगा? मैम होमोजिनस मिक्सचर। फिर ग्लूकोज और पानी को घोलूंगी क्या मिक्सचर मिलेगा? ग्लूकोज एंड वाटर सेकंड ऑप्शन, हेट्रोजिनस मिक्सचर। ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हो तुम लोग? कैसा मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो? ग्लूकोज अलग अलग दानों की तरह घूमता रहता है उसमें इधर उधर के, घुल जाता है पूरा, मम पूरा डिसॉल्व हो जाता है, फिर वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है? मैम होमोजिनियस मिक्सचर। तुम कंफर्म क्यों नहीं हो? दोनों चीजें बोल रहे हो, कभी हेट्रोजिनस बोल रहे हो कभी होमोजिनस बोल रहे हो। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड का आंसर क्या है? सैंड और वाटर। सैंड और वाटर का कैसा मिक्सचर है, होमोजिनस के हेट्रोजिनस? मैम हेट्रोजीनियस। क्यों, इसका हेट्रोजीनियस क्यों है? मैम बिकॉज़ जब सैंड को वाटर में घोलेंगे तो मैम वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएगा डिसॉल्व नहीं होगा तो? मैम वो बॉटम पे रह जाएगा कंटेनर के। मैम और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है? मैम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर भारी चीज किसी सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाती है, इस तरह की सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मैम होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा तुम क्लास में होते ना तो मैं तुम सबको सुधार देती एक मिनट में, मैं क्या पूछ रही हूँ तुम क्या बता रहे हो? सैंड अगर पानी में नीचे बैठ जाती है तो किस तरह की सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन के सस्पेंशन? मैम सस्पेंशन है, करेक्ट। पढ़ लिया करो जो नोट्स बनाए हैं, वो रखने के लिए नहीं है, शो पीस में। क्यों बनाते हो नोट्स तुम, याद नहीं करते हो उनको? मैम करते हैं। क्यों नहीं आ रहा आंसर? अभी एग्जाम है 16 तारीख से, क्या करोगे तुम उसमें?
एयर क्या है? फोर्थ ऑप्शन का आंसर क्या है? मैम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टॉपिक पढ़ो इसे। सेपरेटिंग द पढ़ो अब। Separating the component of a mixture. The component of a heterogeneous mixture can be separated by first simple method like hand picking, sieving, and winnowing. A special technique like evaporation, a mixture of salt and water or sugar and water, centrifugation, butter from curd, fine mud particles suspended in water, decantation using separating funnel. Oil from water, sublimation, camphor from salt, chromatography, different pigment from an extract of flower petals, distillation and fractional distillation, separation component of petroleum, magnetic separation, iron pins from sand. ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हमने एक एक करके वैसे समझ चुके हैं। ऐसा इसमें कोई वर्ड है जो तुम लोगों को नहीं आता? किसी बच्चे को किसी वर्ड में डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है तो पूछो। मैम स्पेशल टेक्निक में मैम वो जो सेकंड वाला है उसमें थोड़ा डाउट है। सिंपल टेक्निक, स्पेशल टेक्निक्स में किस में डाउट है? मैम जो सेकंड वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये कुछ नहीं है। बटर फ्रॉम कर्ड, जैसे दही से मक्खन निकालते हैं, चलाते हैं उसे रई से, रई होती है मटकी में दही भरते हैं और उसे रस्सी से पकड़ के झर 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 करके चलाते हैं, या फिर मिक्सी में डाल देते हैं पूरा दही और मिक्सी में झर करके चला देते हैं, तो उससे जो तेज घूमता है, जो चीज रोटर मशीन से जो तेज घूमती है बाहर की तरफ फेंकती है, जब बाहर की तरफ फेंकती है तो वो इकट्ठी होती जाती है, तो दही से मक्खन अलग हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो, सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा हो, ठीक है, बाहर धक्का मार रहा हो, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं उसको। तो दही से मक्खन निकालते हैं वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से, द फोर्स विच इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड। डिकेंटेशन, अगर हम किसी चीज, जो चीज हल्की है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे भारी चीज रह जाएगी, तो ऊपर वाली चीज को बस टेढ़ा करेंगे हम, बीकर को टेढ़ा करेंगे और जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर है वो अपने आप बह जाएगी नीचे की तरफ। जैसे चावल साफ करते हैं, चावल पानी से धोते हैं, चावल नीचे बैठ जाते हैं और थाली में, और पानी ऐसे टेढ़ी करते हैं थाली थोड़ी सी और पानी झर करके नीचे गिर जाता है, तो डिकेंटेशन है, पानी अलग कर दिया। या फिर अगर किसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर तेल है नीचे पानी है, तो तेल मैं आराम से अलग कर सकती हूँ दूसरी टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि तेल हल्का होता है, तो डिकेंटेशन होता है। सेपरेटिंग फनल से भी निकाल सकते हैं डिकेंटेशन से। देन सब्लिमेशन है, जो ऐसी चीज है जो कि वेपर बन डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है बिना लिक्विड में आए, जैसे कि कपूर है, उसे खुला छोड़ दूंगी तो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स हैं। और अगर कपूर और नमक मिक्स हो रखा होगा, दोनों सफेद सफेद हैं, तो कपूर उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। क्रोमेटोग्राफी, आपको पता है कलरफुल डाइज को अलग करने को। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको पता है अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर्स क्या होते हैं, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग टेम्परेचर पे इवेपोरेट होके कंडेंस होके अलग होता जाता है, जैसे पेट्रोल में से कई चीजें निकालते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में कोई ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट उन्हें चुन लेती है और बिना मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक चीजों से अलग कर देती है, जैसे आयरन पिन्स हैं। आयरन पिन्स अगर रेत में पूरी बिखर गई मेरे से गलती से, मैं एक मैग्नेट लाऊंगी और उसके ऊपर ऐसे फिराऊंगी तो मैग्नेट सारी आयरन पिन्स को चिपका लेगी चुंबक मैग्नेटिक फोर्स से, और फिर वो सैंड रह जाएगी, इसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। तो सब समझ में आ गया ये आपको?
यस मैम यस मैम सर बताओ क्वेश्चन नंबर नेम द प्रोसेस यू वुड यूज टू रिकवर शुगर फ्रॉम एन एक्वस शुगर सॉल्यूशन चीनी चाहिए तुम्हें मीठे पानी से चीनी वापस चाहिए तुम्हें क्या करोगे कैसे अलग करोगे मैम इवेपोरेशन इवेपोरेशन से कर लोगे ठीक है सेकंड सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सैंड नमक और सैंड का सॉल्यूशन है कैसे करोगे मैम डिस्टिलेशन 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 क्यों करेंगे नमक भाप बना के नमक थोड़ी उड़ेगा भाप बन के नमक और सैंड है ऐसा कर सकते हैं नमक और सैंड को क्या करेंगे पानी में डाल देंगे पानी में डाल देंगे नमक तो घुल जाएगा पानी में सैंड घुलेगी नहीं और फिर उसको क्या कर लेंगे छान लेंगे ठीक है सैंड अलग हो जाएगी फिल्ट्रेशन से समझ रहे हो और पानी नमक का अलग हो जाएगा फिर पानी नमक पानी में नमक आ जाएगा फिर इवेपोरेशन कर लेंगे ठीक है ओके मैम यूज होंगी फिल्ट्रेशन भी यूज होगी और इवेपोरेशन भी यूज होगी सेकंड क्वेश्चन हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल अगर इन तीनों का मिक्सचर हो गया रेत भी है उसमें पानी भी है उसमें तेल भी है तो कैसे करोगे कैसे सेपरेट करोगे इस मिक्सचर को बताओ बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सरसों का तेल पानी और नम उसमें थोड़ी धूल है रेत है उसमें तो क्या करोगे किरकिरा ऐसा मिक्सचर बन गया पानी का तेल का और सैंड का तो तुम कैसे साफ करोगे उसे मैम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे करोगे इसमें सिर्फ पानी उड़ जाएगा फिर तेल और फिर पानी भाप बन के उड़ जाएगा फिर तेल और रेत बच जाएगी फिर कैसा करोगे मैम फिल्ट्रेशन से करेंगे फिल्ट्रेशन से करेंगे सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं ऑयल ऑयल सबसे पहले निकल जाएगा वाटर फिर बाद में रहेगा और सैंड सबसे नीचे रहेगी सैंड वहीं की वहीं रहेगी ठीक है डीकैंटेशन से तो ऑयल हटा देंगे डीकैंटेशन से ऑयल हटा देंगे सबसे ऊपर से पहले ऑयल हटा देंगे फिर क्या रहेगा सैंड और सैंड पानी फिर पानी हटा देंगे और फिर उसके बाद सैंड रह जाएगी अब ये क्या है फॉर्मूला क्या है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पढ़ो इसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या होती है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की The amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution. Concentration of a solution, amount of solute upon amount of solvent or amount of solute upon amount of solution. The concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage or as mass by volume percentage. Mass by mass percentages of a solution mass of solute upon mass of solution into 100 mass by volume percent of a solution mass of solute upon volume of solution into 100 okay concentration of solution amount of solute upon amount of solvent aise nikalti hai kitna solute bhula hua hai kitne solvent mein wo concentration hoti hai kis solution ki theek hai अगर किसी में मैंने 50 ग्राम नमक डाला है 100 ml पानी में और किसी में मैंने 100 ग्राम नमक डाला है 100 ml पानी में ही तो किसकी कंसंट्रेशन कितनी है ए वाले सॉल्यूशन की कितनी है जिसमें 50 ग्राम नमक डाला है 100 ml पानी में और बी वाले की कितनी है जिसमें 100 में 100 ही है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन बाय मास मास परसेंटेज क्या आएगी इसकी
मैम प्लीज रिपीट अगेन. One solution A has 50 grams salt dissolved in 100 ml water, and solution B has 100 grams salt dissolved in 100 ml water. Find the mass by percentage solution of A and B. क्या वैल्यू रखोगे तुम इसमें फॉर्मूले में मास बाय वॉल्यूम मास परसेंटेज के फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखोगे ए का कैसे निकालोगे बी का कैसे निकालोगे. मैं 50 बाय 100 इनटू 100 मम्मी का 50 बाय 100 इनटू 100 की वैल्यू क्या आएगी. मैं 50% 50% आएगा ए का सॉल्यूशन 50% कंसंट्रेशन है ए में और बी में क्या है. मैं 100% 100% कंसंट्रेशन है बी में तो कौन सी ज्यादा कंसंट्रेटेड हुई. बी वाली ज्यादा कंसंट्रेटेड हुई. बहुत ही सिंपल चीज है कोई ज्यादा बड़ी इसमें साइंस नहीं है. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन. इसके पॉइंट्स पढ़ो इसका स्क्रीनशॉट लो इसमें जो भी पॉइंट्स है वो याद करने हैं. ओके मैम पॉइंट्स पढ़ूं. फर्स्ट टू सॉल्यूशन फर्स्ट होमोजेनियस सेकंड साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 nm और 10⁻¹. थर्ड पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. फोर्थ स्टेबल. फिफ्थ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर शुगर एंड वाटर. सेकंड सॉल कोलॉइड. First point is heterogeneous. Second point is size of solute particle is between 1 nm to 1000 nm. Third point is what is nm? Nm क्या होता है? M क्या होता है? अगर यहाँ nm सिर्फ 1 m होता है, m क्या होता है? What which unit is represented by m? meter. तो फिर इतनी देर लगती है तुम्हें इतने छोटे छोटे क्वेश्चन फिफ्थ क्लास के बच्चे भी आंसर बताते हैं इसके तुम नाइन्थ में हो. तो 1 m is equal to 1 meter और nm क्या होगा nanometers. nm क्या होता है nanometers. nanometer की वैल्यू क्या होती है ये लिखी है 10⁻¹⁹ मीटर क्या होती है 10⁻¹⁹ मीटर. ठीक है तो nm क्या होता है नैनोमीटर. नैनोमीटर होता है. आगे पढ़ो. पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर स्टेबल एंड सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूजेशन. Fifth point is milk and fog. Third is suspension. Suspension first point is heterogeneous. Second is size of solute particle is more than 1000 nm. Third is particles cannot pass through filter paper. Fifth is unstable and settle down on its own. Sixth is muddy water, chalk and water. And seventh is smoke in the air. ठीक है तो तीनों के स्क्रीनशॉट ले लो इसका और तीनों के पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं. कौन सी चीजें फिल्टर हो सकती हैं कौन सी सॉल्यूशन फिल्टर नहीं हो सकती ये थ्रू सॉल्यूशन फिल्टर नहीं हो सकती. ठीक है और कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड सस्पेंशन कैनॉट पास थ्रू. ट्रू सॉल्यूशन cannot pass through, particles cannot pass through true solution के और suspension के भी नहीं pass कर सकते पर colloidal के pass कर सकते हैं. ठीक है stable. Stable क्या है मतलब हर जगह बराबर होना. True solution more stable है. Colloidal solution stable है और settle हो जाती है centrifugation करने पर. मतलब जैसे कि दही में से मक्खन जो निकाल देते हैं जबकि दही भी एक colloidal है दूध भी colloidal है. दूध को भी अगर मैं सेंट्रीफ्यूग कर दूंगी तो उसकी क्रीम अलग हो जाएगी. क्रीम तो उसके पार्टिकल्स कोलोइड होता है मिल्क क्योंकि
स्टेबल तो होता है पर उसे फिर भी किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है उसके कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन करके, हाई स्पीड में घुमा के, हाई स्पीड में कुछ जोर से घुमाएंगे तो वो अलग हो जाती है उसके अंदर की चीजें। सस्पेंशन अनस्टेबल होती है क्योंकि वो नीचे बैठती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, सोडियम क्लोराइड इन वॉटर। सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है? टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। और अगर ये इसके एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन के, पानी में सोडियम क्लोराइड घुला हो, चीनी घुली हो, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। मिल्क है, धुंध है, सर्दियों में धुंध पड़ती है, वो कोलोइडल है। मडी वाटर है, पानी में अगर चॉक पाउडर घुला है या फिर हवा में धुआं है, तो ये सस्पेंशन है। क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? सॉल्वेंट का दूसरा नाम डिस्पर्शन मीडियम होता है। जिस चीज में कोई और चीज घुलती है उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज डिस्पर्शन मीडियम। एंड डिस्पर्स्ड फेज जो छोटे प्रपोर्शन में होता है, कम प्रपोर्शन में, तो कोलोइडल सॉल्यूशन दो चीजों की बनी होती है, डिस्पर्शन डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्वेंट की, एंड डिस्पर्शन मीडियम यानी मैं भी पागल होगी। कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें दो होंगे, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि वो चीज जो कि कम अमाउंट में है यानी सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम यानी वो चीज जो कि ज्यादा अमाउंट में है यानी सॉल्वेंट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें रहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। सॉल्यूट क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम? सॉल्यूट क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज के डिस्पर्शन मीडियम? डिस्पर्स्ड फेज मैम, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट क्या होता है मैम? डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम लार्ज प्रोपोर्शन की वजह से, लार्ज प्रोपोर्शन ज्यादा अमाउंट में जो है उसकी वजह से, जो चीज ज्यादा अमाउंट में है वो मीडियम की तरह काम कर सकती है, और जो चीज कम अमाउंट में है वो फेज की तरह काम कर सकती है। ठीक है, स्मॉल प्रोपोर्शन लार्ज प्रोपोर्शन का रीजन है। रीजन यहाँ पर लार्ज प्रोपोर्शन जो चीज है डिस्पर्शन मीडियम है, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में वो चीज क्या है, डिस्पर्स फेज है। The particle of colloids are large enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Thus, they shorten the effect. The particles हैं colloidal solution के, वो इतने बड़े होते हैं कि light अगर वहाँ पर टकराए तो वो उसके गुजरी हुई light को बिखेर देते हैं और उस light के रास्ते को चकाचौंध कर देते हैं, path को visible कर देते हैं। ठीक है, दस इसी चीज को टिंडल इफेक्ट करते कहते हैं, जिसमें लाइट दिखने लगे, लाइट का रास्ता दिखने लगे। जैसे पेड़ों से छनती हुई लाइट आती है, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाओ, पेड़ उसके पत्तों में से छन के लाइट आती है सीधी सीधी रेज दिख, yes, ma'am. तो वो भी टिंडल इफेक्ट है क्योंकि वहां एयर का पार्टिकल्स है, डस्ट के पार्टिकल्स है, धूल वगैरह है, वो सारे कण लाइट के पार्टिकल्स को टिंडल इफेक्ट करते हैं, जिगजैग बीम को ट्रेवल करते हैं। कोलोइडल ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, और इस तरह के मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं कि उन्हें ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन